or what we call the director. So director is Vijay Machal ji. Vijay Dada has been a part of Seva Drama Repertory Company for many years aur inne bahut kaam kiya hai aur inka ek process, inka ek vision, inka ek facilitation hai jo hame aaj stage pe dikha aur ek correct silent backing, silent support. तो विजय भाई प्लीज आप कुछ बोलें कम्युनिटी थिएटर के बारे में. कम्युनिटी थिएटर जो उसका करने का अपना ही मजा है और एक बार सबको ट्राई करना चाहिए क्योंकि यहाँ आप सबके जो आइडियाज है उसकी रिस्पेक्ट की जाती है. एक आदमी आपको डंडा लेके हाँकता नहीं, आपको सुना जाता और ये सारा जितने आर्टिस्ट हैं सब ने खूब मजा किया. हमें नहीं पता आपको कितना मजा है पर हम लोगों ने खूब मजा किया. अंदर करमजीत सिंह, रवीना, विनेश, रमन, शिवम, दिनेश और हरप्रीत जी ने काफी हद तक किया है. जो गाने कुछ चनी ने लिखे थे अपने स्क्रिप्ट में, कुछ मोना भैया ने लिखे हैं और थोड़ी कॉम्पोजिशन और अरेंज जो म्यूजिक किया वो मिंकी मिंक मिंकी आपको बड़ा मजा आ रहा है और उनके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्स है अंकित और राहुल. Lights were done by me, Yandere. And I also want to thank Chetan and Surinder ji. Surinder ji on sound and Chetan assisting in the lights. If you have any questions, you process me ke sara ha, you can ask talk to the artist now or even afterwards. But now you can take some questions if you have any. From the director, अगर आप प्रोसेस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि ये सीन क्यों बनाया, कैसे किया, झाड़ू लेके क्यों आ रहे थे. Hi, thank you for this awesome performance. We totally loved it. It was delightful. I have one question. This was based on an old story, right? And the artists seem to have brought in a lot of flavor of their own, their humor from contemporary cinema and so on. So how do you create this marriage between a script, a story, and these innovative ideas that come from the artists? How do you blend them into one performance? Is there some method or is it all organic? ये तो इसको ये बस ये कहा जा सकता है होता ही. मतलब सोच जब स्क्रिप्ट मेरे पास आया तो एक बार तो मैंने भी माथा पकड़ा कि मैं क्या करने वाला हूँ सच में. मतलब फिर उसके बाद सुखमनी नाना से मेरी बात हुई. मैंने उनको बोला, मैंने कहा नाना यार क्या कर सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है. जब मैं स्क्रिप्ट देख अच्छा तो तो मैंने नाना से पूछा कि नाना हम कैसे इस प्रोसेस को कर सकते हैं. तो नाना ने मुझे कहा कि भैया हम ना एक वर्कशॉप कर लेते हैं 2 दिन. मैंने कहा जरूर. तो 2 दिन की वर्कशॉप दी उसने नाना ने, क्लाउनिंग की वर्कशॉप. फिर वहां से दिमाग घूमा कि अब करना क्या. मैंने कहा करना कुछ नहीं, एक्चुअली जो होगा उसको रखना है, एक धागे में पिरोना है बस. उसके बाद इम्प्रोवाइजेशन हुई, कुछ सीन जो चली समय लिखे तो वैसे ही रखे, कुछ सीन इम्प्रोवाइज हुए और वो एक धागे में पिरोए गए. इतना सा काम हुआ, बस एक टेलर मास्टर का काम था मेरा.
और कुछ इधर ही गायब तो कुछ भी नहीं है अभिमन्यु। एक्चुअली अभिमन्यु जो थे बागा, उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया था अभी, आज उनकी 13वीं है उनकी माता जी। तो ये कलाकार के साथ सबके साथ की चीज़ें होती है, लेकिन कलाकार के साथ अगर हो और उस दिन उसका शो भी, एंड जिस दिन उनकी माता जी का देहांत हुआ था उसके अगले दिन वो प्रैक्टिस में थे, बहुत कुछ होता है बस। पर इस थिएटर का आपको तो बहुत मज़ेदार है, आप कोशिश करें किसी तरह से आप इसमें इन्वॉल्व हो सके, या आपके बच्चे स्पेशली कम्युनिटी थिएटर में, तो बहुत मज़ा आएगा, सच में बहुत आनंद है। हाँ जी, आप ये सब चाहते हैं ऐसे प्लीज प्लीज आइए आइए आइए, हमें तो लोग चाहिए। एक महीना पहले हमने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली थी, यू हैव अ क्वेश्चन? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ थर्स्टी प्रो एंड ही वाज वेरी थर्स्टी एंड वन डे ही फाउंड अ पॉट, देन ही वाज कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू, बट वी हैव चेंज्ड दैट स्टोरी, नाउ वी कैरी अ स्ट्रॉ। थैंक यू मैम। जिंदगी जीने का नाम है, मैसेज के चक्कर में पड़ गए तो फिर हो गया काम। हम ऐसा सोचते हैं, आपके तरफ से बिल्कुल सही है, आप सोच के आएंगे कोई मैसेज हो गया, मैसेज आप ढूंढिए, मैंने नहीं डाला। इन ट्रेडिशन ऑफ सेवा एंड चनी, जाने से पहले आपके पास दरवाजों पर हम चुनिया लेके खड़े होंगे, जाने से पहले 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, वो तो हो गए खत्म, पर प्लीज प्लीज देते हुए जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे, थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर चनी, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर टू हेल्प अस सेलिब्रेट। We plan to also do this, we've been doing it every year on his birthday, but we want to continue. We're calling this, we want to actually expand it, call it Akkina Chakkina Thakkina festival, and Gyan and I alone are unable to, our dream is to have a 3-day festival where we invite people who are working on this kind of theatre, which is inclusive, which is diverse, which has its own voice. It's very important, especially in today's world, for people to have their voice. So we want to continue Dad's legacy and have a longer festival where we invite more groups to come and perform. We need volunteers, if you can help. I have put up a poster, but you can just directly tell me if this is something you'd like to get involved in. Not a lot of work, but just to kind of help us get it going. Otherwise, thank you so much for being here. Good night. Julia, thank you. Okay, thank you. No more questions, right? No more questions.